मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिए पहने हुए ये लुबना है जो अब आरोही बन गई है। दरअसल लुबना और बॉबी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों के घर आसपास में हैं। दोनों एक दूसरे से कई सालों से मोहब्बत करते हैं, जिसके बाद अब दोनों ने भागकर एक दूसरे से शादी कर ली है। दरअसल यूपी के बरेली की रहने वाली इंटरमीडिएट की मुस्लिम छात्रा को हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज से शादी करके लुबना से आरोही बन गई। बता दें कि दोनों ने 30 मई को घर से भागकर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। वहीं अब शादी करने के बाद छात्रा को उसके परिवार से जान का खतरा सता रहा है, जिसकी वजह से उसने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लुबना है। आपकी शिक्षा क्या है, पढ़ाई लिखाई? मेरा इंटर हो चुका है। अच्छा, आपकी जन्मतिथि क्या है? 21/10/2002। 21/10/2002। ठीक है, आप बालिग हैं, इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा, आप जो हैं आई हैं यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में, तो ये बताइए कि अपनी मर्जी से आई हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई जोर दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं। किसी का कोई जोर दबाव हो तो बताइए। किसी का नहीं, अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, तो ये बॉबी जो है आप इनको कितने समय से जानती हैं? बचपन से। अच्छा, बचपन से जानती हैं। आपके आसपास ही के रहने वाले हैं क्या? हाँ, घर के जस्ट सामने रहते हैं। अच्छा, और आपका जो इनसे प्यार है वो कब से शुरू हुआ? काफी 3-5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तब तो आप नाबालिग रही होंगी जब आपने का प्यार शुरू हुआ। जी। अच्छा, प्यार आपका जो परवान चढ़ा तब किसने कहा कि हम आप लोग शादी कर लो? हमसे किसी ने कहा, हम लोगों ने खुद ही कहा। खुद अपनी मर्जी से, यानी शादी का फैसला आप लोगों ने खुद लिया है? खुद लिया है। अच्छा, और आपको किसी से कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है किसी से। कोई खतरा? कोई। घर वालों से? हाँ, घर वालों से। क्या खतरा है घर वालों से? घर वाले कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, एसएसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ससुराल वाले पे कोई डर दबाव ना पड़े और हम लोग मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपनी स्वेच्छा से एक शादी कर ली है और वो दूसरे जनपद में है और वो उससे सुरक्षा की मांग की है। पुलिस के द्वारा इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ इसमें जो लड़की घर वाले हैं उनके द्वारा थाना कोतवाली पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और इसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसमें कराई जाएगी और जो बयान कराए जाएंगे इसमें साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी और सुरक्षा की जो जहाँ तक बात है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। आरोही का कहना है कि उसे मुस्लिम धर्म पसंद नहीं है क्योंकि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक और कई ऐसे नियम हैं जो मुझे पसंद नहीं है। वहीं आरोही को बुर्का पहनना भी पसंद नहीं है। आरोही जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही कि जो आपने हिंदू धर्म को अपनाया है। मुझे मुस्लिम धर्म बिल्कुल पसंद नहीं था और जब मैं गुरु जी के पास आई हूँ मैंने अपना बुर्का और ढाटा उतार दिया। अच्छा, तो बुर्का आपको पसंद नहीं है? नहीं। और क्या वजह रही मुस्लिम रीति रिवाजों में आपकी, क्या वजह रही कि आपको हिंदू धर्म पसंद है? मुझे हिंदू धर्म पसंद है। जी बताएं। और वहाँ पे 3 तलाकें होती हैं और हलाल किया जाता है, मुझे इसी वजह से आपने। वहीं बॉबी का कहना है कि आरोही के घर वाले और पुलिस वाले दोनों उसके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। वो आरोही से मोहब्बत करता है और उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। वहीं इस मामले में थाने में लड़की के घर वालों की तरफ से गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।